नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसी विदेश में जन्मे जातक की कुंडली में ग्रह स्पष्ट किस प्रकार किए जाते हैं, अर्थात इस वीडियो में हम ग्रह स्पष्ट पर चर्चा करेंगे। यहां पर हमने बर्थ डिटेल लिया है, देखिएगा 27 मई 2021 समय है दोपहर 12:30 ZST, स्थान है पेरिस फ्रांस। इस बर्थ डिटेल के आधार पर हमने आपको लग्न स्पष्ट करना पिछले वीडियो में बता दिया है। अब उससे आगे कि ग्रह स्पष्ट किस प्रकार किए जाते हैं, देखिएगा जब भी आपको किसी विदेश में जन्मे जातक के लिए ग्रह स्पष्ट करने हो तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको जो समय दे रखा होता है वह ZST में दे रखा होता है। और जब हमें ग्रह स्पष्ट करने होते हैं तो हमें एक पुस्तक की सहायता लेनी पड़ती है, वह पुस्तक है इंडियन एफेमेरिज के नाम से। तो यहां पर ये एनसी लहरी की पुस्तक है इंडियन एफेमेरिज, आप इसको ले सकते हैं। इस पुस्तक में जनवरी से लेकर दिसंबर प्रत्येक डेट के भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 प्रत्येक ग्रह के भोगांश दिए हुए हैं। अब आप देखिएगा हमारे पास जो समय है वह ZST है, वह समय विदेश का है। तो पहले तो आपको इस ZST को, इस विदेशी समय को भारतीय समय में बदलना होगा। बदलना इसलिए पड़ेगा कि हमारे पास यह पुस्तक है और इस पुस्तक में जो भोगांश है वह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको जो ZST समय है इसको भारतीय समय पर आप बदल लीजिए। और आपको पता है कि जो 12:30 है उसको हम इंडियन टाइम में कैसे बदलेंगे। आपको एक दूसरी पुस्तक भी है जो कि हमने लग्न निकालते समय आपको दिखाई थी, टेबल ऑफ असेंडेंट। इस पुस्तक में हमने आपको जब बताया था कि पेरिस के जो डाटा उठाने हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एंड टाइम करेक्शंस जो उठानी है, हमने बताया था कि इस पुस्तक के आप आखिरी में चले जाइएगा और वहां पर जो फॉरेन सिटीज के यहां पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और LMT करेक्शन, साइडेरियल टाइम करेक्शन दे रखी होती है, उसी में आपको एक कॉलम मिलेगा IST फ्रॉम ZST। वहां से आप देख लेंगे कि भारतीय समय ZST से आगे है या पीछे है, वो दे रखा होता है। अगर हम पेरिस के डाटा को देखते हैं तो हमको मिलता है +4:30। इसका मतलब जो भारत का समय है पेरिस के ZST से 4:30 आगे है। तो 12:30 हमारे पास ZST है, इस 12:30 में आप 4.5 जोड़ोगे तो आप 17:00 पहुंच जाओगे और यह 17 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार है। 17:00 का मतलब है शाम को 5:00। अब आगे देखेंगे आप, हमारे पास हमने IST समय में ZST को बदल लिया और हमारे पास जो डाटा मिलते हैं वह डाटा मिलते हैं प्रत्येक डेट के सुबह 5:30 के। हमें ग्रह स्पष्ट करने हैं, हमारा जो जन्म हुआ है वह 27 मई को हुआ है। जब हमने ग्रह स्पष्ट किए तो हमने देखा कि जो हमारा टाइम
जो जेडएसटी टाइम है भारतीय टाइम के अनुसार तो शाम के 5 बजे बन गया है, तो हम ग्रह स्पष्ट 17 बजे के आधार पर ही करेंगे। और 17 बजे 27 मई 2021। अब वही 27 मई 2021 में हमारे पास सुबह 5:30 बजे का डाटा तो है, पर हमें जो ग्रह स्पष्ट निकालने हैं वह 17 बजे अर्थात शाम 5 बजे के निकालने हैं। तो हम देखेंगे कि 5:30 बजे के ऑलरेडी हमारे पास डाटा है, हमें कितने और डिफरेंस के डाटा निकालने हैं जिसके आधार पर हम ग्रह स्पष्ट कर सके। तो आप क्या करेंगे, 17 बजे अर्थात शाम को 5 बजे में से सुबह 5:30 बजे इसको लेस करेंगे, 17 में से 5:30 बजे लेस किया तो 11.5 घंटे का समय अंतराल आया। इसका मतलब ये हुआ कि 5:30 बजे के आपके पास में ग्रहों के भोगांश है, 11.5 घंटे के भोगांश और निकाल ले, और जो 11.5 घंटे के भोगांश निकाले हैं उनको आप 27 मई 2021 में जो 5:30 बजे के भोगांश हैं उनमें जोड़ दीजिए, तो आप 27 मई 2021 17 बजे IST के अनुसार ग्रहों के भोगांश पर पहुंच जाएंगे। अब देखिएगा किस प्रकार से करना है। आप अपनी पुस्तक पे आएंगे इंडियन एफेमेरिज में, यहां पर आप मई वाले कॉलम पर आएंगे, मई वाले पृष्ठ पर आएंगे, आप मई वाला पृष्ठ आप देखेंगे, इसमें प्रत्येक जनवरी से लेकर दिसंबर प्रत्येक महीना का इसमें डेट वाइज आपको डाटा मिल जाएगा सुबह 5:30 बजे का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। अब आपको दो डेट उठानी पड़ेंगी यहां पर, एक तो 27 तारीख और एक उठानी पड़ेगी 28 तारीख, क्योंकि आपके पास में 27 तारीख के 5:30 बजे के भोगांश हैं, पर जो जन्म हमने देखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जो हमने बदल दिया है वह 17 बजे है अर्थात सुबह 5:30 बजे के बाद में। और एक डाटा उठा लीजिए आप 28 मई का। अब क्या करेंगे, 28 मई और 27 मई के दो डाटा उठाएंगे और इनमें अंतर करेंगे, 27 मई सुबह 5:30 बजे और 28 मई सुबह 5:30 बजे, इनमें 24 घंटे का अंतर है, इसी 24 घंटे के अंतर के आधार पर आप इस कैलकुलेशन को करेंगे कि 24 घंटे में ग्रहों के भोगांश में इतना अंतर आया और आपको निकालना है 11.5 घंटे का, तो 11.5 घंटे में कितना अंतर आएगा, उस अंतर को आप 27 तारीख 5:30 बजे के भोगांश में जोड़ देंगे और हम ग्रह स्पष्ट पर पहुंच जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले आप 28 मई 2021 सुबह 5:30 बजे के प्रत्येक ग्रह के डाटा पर पहुंचेंगे, यहां पर आप राशि डिग्री मिनट इस प्रकार से सही तरीके से लिखेंगे, और 28 तारीख में आप देखेंगे सूर्य महाराज का जो भोगांश है कि 28 तारीख सुबह 5:30 बजे सूर्य महाराज कौन सी राशि में है, कितने डिग्री पर है, कितने मिनट पर है, उसी प्रकार से सभी ग्रहों के हमें देखने होंगे। 28 तारीख को इस पुस्तक के अनुसार सूर्य महाराज 1 sin pass 12 degree 44 minute and 54 seconds दे रखा है। हम क्या करेंगे, सेकंड को नहीं लेंगे, मिनट्स को लेंगे, और जब 30 सेकंड से ज्यादा का समय दे रखा होता है तो हम क्या करेंगे, सेकंड को छोड़ देंगे, एक मिनट में उसको बढ़ाकर राउंड ऑफ कर लेंगे। तो हमने यहां पर लिया 28 तारीख में सूर्य महाराज का भोगांश, देखिए 1 sin pass 12 degree 45 minutes। अगर इसको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे कि सूर्य महाराज एक राशि पूरी कर चुके हैं, वृषभ राशि में चल रहे हैं 12 डिग्री 45 मिनट के, कब,
28 तारीख सुबह 5:30 बजे। इसी प्रकार से सभी ग्रहों के आप डाटा यहां से नोट कर लेंगे। चंद्र महाराज का देखिएगा 8 sign pass 4 degree 22 minute। मंगल महाराज का देखिएगा 28 तारीख में 2 sign pass 26 degree 54 minute। बुध महाराज का देखिए 2 sign pass 0 degree 25 minutes। गुरु महाराज का देखिए 10 sign pass 7 degree 9 minute। शुक्र महाराज का देखिए 1 sign pass 29 degree 3 minutes। शनि महाराज का देखिए 9 sign pass 19 degree 21 minutes। राहु महाराज का देखिए 1 sign pass 16 degree 35 minutes। हमने 28 तारीख के सभी डाटा इस पुस्तक में से ले लिए हैं। आप देखेंगे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। ये 2021 की एफएमरी है और 2021 की जो एफएमरी है उसमें पेज नंबर 24 में से ये डाटा आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आप 27 तारीख का डाटा भी इसी प्रकार से इसी पुस्तक में से उठाएंगे सुबह 5:30 बजे का, और ग्रहों को राशि डिग्री मिनट तक लिखें। अगर सेकंड्स दे रखा हो तो उसको आप राउंड ऑफ कर देंगे, 30 सेकंड से ऊपर अगर भोगांश जाता है तो उसको आप राउंड ऑफ करके 1 मिनट बढ़ा लीजिए मिनट के अंदर, जैसे कि मैंने आपको सूर्य महाराज के केस में बताया था। अब देखिएगा एक बार फिर से आपको बता देता हूं, 27 तारीख का सूर्य महाराज का जो भोगांश है, सूर्य महाराज 1 sign pass 11 degree 47 minute 1 sign pass 11 degree 47 minute। ये सूर्य महाराज का भोगांश है। और चंद्र महाराज का भोगांश आप देखेंगे 27 तारीख को यहां पर है 7 sign pass 19 degree 20 minute और 33 second। तो हमने क्या किया, 20 मिनट्स था उसको 21 मिनट्स कर लिया और 33 सेकंड्स को छोड़कर मिनट्स को ही हमने एक बढ़ा के राउंड ऑफ कर लिया है। इसी प्रकार से आप प्रत्येक ग्रह के डाटा लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, आप 28 तारीख में से 27 तारीख के डाटा को घटाएंगे जो भोगांश से है। ये यहां हमने लिखा 24 घंटे का अंतर। अब घटाएंगे कैसे, आप देखिएगा यहां पर देखिए ये राशि है, ये डिग्री है, ये मिनट है। अब 45 मिनट में से 47 मिनट नहीं घट पाएंगे, आप क्या करेंगे 12 डिग्री में से 1 डिग्री लेके आगे जाएंगे, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, देखिए कैलकुलेशन करके बता देता हूं, और 45 मिनट ये हो गए 105 मिनट। अब 105 मिनट में से आप 47 मिनट घटा सकते हैं, 15 में से 7 गए 8, यहां 9 बचा, 9 में से 4 गए 5, 58 मिनट। अब यहां पर 11 डिग्री रह गई है, 11 में से 11 गई तो 0 डिग्री। इस प्रकार से आप घटाएंगे। एक और बताता हूं आपको, देखिएगा चंद्र महाराज का देखिए 22 मिनट में से 21 मिनट जाएंगे तो 1 मिनट बचा। अब 4 डिग्री में से 19 डिग्री नहीं घट पाएंगी, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पूरा साइन उठा के लाना पड़ेगा। एक साइन में होती है 30 डिग्री, 4 डिग्री ये रही, हो गई 34 डिग्री। 34 में से आप 19 घटाएंगे तो आ जाएंगी 15 डिग्री, ये 15 डिग्री आ गई। अब यहां पर 7 साइन बचे, ये भी 7 साइन है तो यहां पर कुछ बचेगा ही नहीं। इस प्रकार आसानी से आप इसको घटा लेंगे। एक और बता देता हूं आपको, अब देखिएगा मंगल महाराज यहां पर 54 में से 17, 54 मिनट में से आप 17 मिनट घटाइए तो 54 में से 17 घटाएंगे तो 37 मिनट आता है। आगे 26 डिग्री है, नीचे भी 26 है, 26 में से 26 जीरो,
तो हमारे पास जो अंतर आया यहां पर 0 डिग्री 37 मिनट। ऐसे ही बुध महाराज का, बुध महाराज भी देखिए 2 sin pass 0 degree 25 minutes और 27 तारीख का डाटा 2 sin pass 0 degree 14 minutes। यहां पर जो अंतर आया मात्र 11 मिनट का आया। 11 मिनट का अंतर आपको कम लग रहा होगा बुध के केस में, क्योंकि बुध एक दिन के बाद ही वक्री हो रहे हैं, इसकी वजह से ये अंतर कम आया है। अब गुरु महाराज देखिएगा, गुरु महाराज में 9 मिनट में से 4 मिनट घटाते हैं तो 5 मिनट आता है। अब यहां पर 7 डिग्री रह गया, ये भी 7 है, 7 डिग्री में से 7 डिग्री घटाएंगे तो 0 आएगा, अर्थात 0 डिग्री 5 मिनट, ये अंतर रहा। उसके बाद शुक्र महाराज देखिएगा, 3 मिनट में से 50 मिनट नहीं घट पाएंगे आप, ये जो 29 डिग्री है इसमें से 1 डिग्री आगे लेके जाइए, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 और 3 हो जाते हैं 63 मिनट, 63 में से आप 50 घटाएंगे तो 13 मिनट का अंतर आएगा। अब ये रह गई 28 डिग्री, 28 में से 27 को घटाइए तो 1 डिग्री अंतर आया, 1 डिग्री 13 मिनट। अब शनि महाराज 27 तारीख और 28 तारीख को उनका डाटा बराबर था, बहुत मामूली सा सेकंड्स का फर्क था मात्र, वो हमने छोड़ दिया। तो यहां पर सुबह 5:30 बजे 28 तारीख और सुबह 5:30 बजे 27 तारीख बराबर ही डाटा है, कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए डैश छोड़ दिया। यही हालत राहु महाराज के केस में है, यहां पर 28 तारीख और 27 तारीख का दोनों का बराबर डाटा है, तो यहां पर ही हमने कोई अंतर नहीं लिया, डैश छोड़ दिया। अब यहां पर हमने सभी ग्रहों का 24 घंटे का अंतर ले लिया है। सूर्य महाराज का अंतर देखिएगा 0 डिग्री 58 मिनट, चंद्र महाराज का 15 डिग्री 1 मिनट, मंगल महाराज का 0 डिग्री 37 मिनट, बुध महाराज का 0 डिग्री 11 मिनट, गुरु महाराज का 0 डिग्री 5 मिनट, शुक्र महाराज का 1 डिग्री 13 मिनट, शनि महाराज और राहु महाराज का कोई भी अंतर नहीं है। यहां पर देखिए, अब जो 24 घंटे का अंतर आया है आप उसका लॉग निकाल लीजिए। इसी पुस्तक में से अंत में एक लॉगरिथम टेबल दे रखी है, लॉग टेबल दे रखी है, आप उस लॉग टेबल से बहुत ही आसानी से सभी का लॉग निकाल सकते हैं। इस लॉगरिथम टेबल में ऊपर डिग्री और आवर्स दे रखे हैं जो कि 0 से लेकर 23 तक हैं, और स्टार्टिंग में शुरुआत में मिनट्स दे रखे हैं जो कि 0 मिनट से लेकर 59 मिनट तक दे रखे हैं। आप देखिएगा यहां पर सूर्य महाराज के लिए 0 डिग्री 58 मिनट पर जो लॉग आएगा तो डिग्री और आवर्स यहां से आप डिग्री से लीजिए और साइड से जहां पर मिनट दे रखे हैं वहां से मिनट के लिए उठाइएगा। तो 0 डिग्री 58 मिनट इस पर जो लॉग आएगा वह है 1.3949। वैसे ही चंद्र महाराज 15 डिग्री 1 मिनट पर जो लॉग आएगा 2036। मंगल महाराज का 0 डिग्री 37 मिनट पर लॉग जो आएगा 1.5902। बुध महाराज का 0 डिग्री 11 मिनट पर जो लॉग आएगा 2.1170। गुरु महाराज का 0 डिग्री 5 मिनट पर जो लॉग आएगा 2.4594। शुक्र महाराज का 1 डिग्री 13 मिनट पर जो लॉग आएगा 1.2950। शनि महाराज के लिए डैश और यहां भी राहु महाराज के लिए डैश, क्योंकि वहां पर कोई भी अंतर नहीं था इसलिए हमने कोई भी लॉग नहीं निकाला। अब आप क्या करेंगे, ये आपने 24 घंटे का लॉग निकाला है, अब आप जो समय अंतराल था 11.5 घंटे, 11 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल था जो कि हमने यहां पर दिखाया आपको, उसका भी एक लॉग निकाल लेंगे। तो 11 घंटे 30 मिनट का इसी पुस्तक में से जो लॉग है वह है 3195। सभी के लिए 3195
3195 3195 3195 3195 सभी ग्रहों के लिए ले लेंगे, शनि महाराज और राहु महाराज के लिए छोड़ देंगे क्योंकि वहां पर हमने कोई भी अंतर लेके नहीं चले हैं। अब आप क्या करेंगे, जो ये दोनों लॉग हैं इनको आप जोड़ देंगे। हमने लिखा दोनों लॉग का जोड़ 4+5, ये चौथे नंबर पे था, ये पांचवे नंबर पे, तो हमने दिखाने के लिए कि चार नंबर और पांच नंबर को हमने जोड़ दिया है, ये चार नंबर और ये पांच नंबर, इसको हमने जोड़ दिया है। देखिएगा जोड़ किस प्रकार से करना है। अब 24 घंटे का लॉग देखिए 1.3949, इसमें आपको जो समय अंतराल का जो लॉग लिखा है वह है इस प्रकार से लिखना है, पॉइंट के बाद से लिखना है। जैसे कि 9 के नीचे 5 लिखा, 4 के नीचे 9 लिखा, 9 के नीचे 1 लिखा, 3 के नीचे 3 लिखा, इस तरीके से। अब इसको टोटल करेंगे तो इस प्रकार से टोटल होगा 9 और 5 14 होते हैं, तो 4 ले लिया, 1 हमने आगे बढ़ा दिया, 5 और 9 14 का 4 यहां 1 हासिल ले लिया, 10 9 और 1 10 और 1 11, ये 11 का 1 लिया, फिर आगे 1 बढ़ा दिया, 3 और 1 4 और 3 7, फिर यहां पर हमने पॉइंट लगा दिया और 1 को ऐसे उतार लिया। तो यहां पर 1.3949 इसमें हमने जोड़ा 3195 तो आया 1.7144। इसी प्रकार से सभी को आपको जोड़ लेना है, हमने एक आपको करके बताया है, इसी प्रकार से आप जोड़ लेंगे। तो दोनों लॉग का जो जोड़ आया है 4+5, ये 4 ये 5, इनका जोड़ आया है सूर्य महाराज के लिए देखें तो 1.7144, चंद्र महाराज के लिए 5231, मंगल महाराज के लिए 1.9097, बुध महाराज के लिए 2.4365, गुरु महाराज के लिए 2.7789, शुक्र महाराज के लिए 1.6145, शनि महाराज और राहु महाराज के लिए डैश कोई भी अंतर नहीं है। अब देखिएगा, अब बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे। जो हमने दोनों लॉग का जोड़ लिया है आप उसका एंटी लॉग निकाल लीजिए। एंटी लॉग का मतलब होगा कि जैसे कि ये जो फिगर है 1.7144, आप इस फिगर को अपने इस लॉगरिथम टेबल में देखिए, या तो ये टेबल ये फिगर आपको मिलेगी या इसके नियर अबाउट नजदीकी एक फिगर आपको मिल जाएगी, क्योंकि कई बार एग्जैक्ट तो मिलता नहीं है, बिल्कुल सेम आपको यही मिल जाए, यही वैल्यू मिल जाए, इसके नजदीकी वैल्यू आपको मिल सकती है। तो वैल्यू क्या है 1.7144। अगर इस पुस्तक में आप देखेंगे कि 1.7144 ये कितने डिग्री कितने मिनट पर है, अब आपको ये देखना है। तो इस पुस्तक में जब आप चेक करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0° 28' पर, और 0° 28' पर जो वैल्यू है वह है 1.7112 है, जबकि हमें निकालना है 1.7144। 1.7144 तो ये वैल्यू नहीं मिल पा रही है, इसके नजदीक वैल्यू मिली तो हमने उसी का डाटा कि वह कितने डिग्री कितने मिनट पर है वह उठा लिया है। तो 1.7144 के लिए हमने लिया कि यह वैल्यू कितने के नजदीक पर मिल सकती है, कितने डिग्री कितने मिनट पर मिल सकती है, तो अप्रॉक्स 0° 28' पर मिल गई। इसी प्रकार से 5231 ये वैल्यू कितने डिग्री कितने मिनट के नियर अबाउट मिल जाएगी, तो हमें मिला 7° 12' के नजदीकी ये वैल्यू मिल गई। इसी प्रकार से 1.9097 ये जो वैल्यू है वो कितने डिग्री कितने मिनट पर मिल जाएगी या उसके नजदीक मिल जाएगी, तो वह हमें मिला 0° 18' 2.4365। ये वैल्यू या इसके नजदीकी वैल्यू कितने डिग्री कितने मिनट पर होगी, वह है 0° 5'। अब 2.7789
ये वैल्यू या इसके नजदीकी वैल्यू कितने डिग्री कितने मिनट पर होगी, इसी पुस्तक की सहायता से, इसी लॉग टेबल की सहायता से आप ढूंढेंगे, तो वह 0 degree 2 minute पर है, 1.6145। ये वैल्यू या इसके नजदीकी वैल्यू इस पुस्तक, इस लॉग टेबल में कितने डिग्री कितने मिनट पर आपको मिलेगी, नजदीकी वैल्यू देखनी है तो 0 degree 35 minute पर आपको मिल जाएगी। शनि महाराज और राहु महाराज के लिए डैश, वहां पर कोई भी अंतर नहीं लिया गया है। अब देखिएगा, अब केवल एक स्टेप और रह गया है, जो हमारा एंटी लॉग आया है, एंटी लॉग जो 11 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल आया था, उसी के लिए ये भोगांश की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, जो 27 तारीख सुबह 5:30 बजे भोगांश की वैल्यू है, उसमें जो ये एंटी लॉग की वैल्यू आई है, केवल इसको जोड़ देना है। तो आपको देखिए 27 तारीख जो हमने 2 number पर लिया है और हमारा एंटी लॉग निकला है 7 number पर, हमने लिखा है ग्रह स्पष्ट 2 + 7, तो 2 और ये 7 इनको जोड़कर हमने आगे दिखाया है। आप इस वैल्यू में देखिएगा 1 sin pass 11 degree 47 minute, अगर इसमें आप 28 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अब जोड़ देखिएगा 47 मिनट और 28 मिनट ये हो जाते हैं 75 मिनट। 75 मिनट का मतलब 1 degree 15 minute, 15 मिनट हमने यहां पर लिख लिया है, 1 degree में 60 minute होते हैं, तो 11 में हमने 1 जोड़कर इसको 12 डिग्री यहां पर कर लिया, 1 साइन को ऐसे ही उतार लिया, तो हमारी जो वैल्यू आई सूर्य महाराज के लिए 1 sin pass 12 degree 15 minute, अर्थात सूर्य महाराज एक राशि पूरी करके दूसरी राशि में चल रहे हैं 12 डिग्री 15 मिनट के। इसी प्रकार चंद्र महाराज में आप जोड़िएगा यहां पर 7 sin pass 19 degree 21 minute, 21 मिनट्स में आप 12 मिनट्स जोड़ेंगे तो ये 33 मिनट्स आएगा, 19 डिग्री में 7 डिग्री जोड़ेंगे तो 26 डिग्री आएगा, और 7 को ऐसे ही उतार लेंगे तो चंद्र महाराज आए 7 sin pass 26 degree 33 minutes। चंद्र महाराज 7 राशि पूरी कर चुके हैं, 7 साइन पूरी कर चुके हैं, 8वें साइन में चल रहे हैं 26 degree 33 minute के। मंगल महाराज देखिए 2 sin pass 26 degree 17 minutes, 17 मिनट में 18 मिनट जोड़ेंगे तो 35 मिनट आ जाएगा, 26 डिग्री ये ऐसे ही उतार लेंगे, और 2 sin को भी यहां पर नीचे उतार लिया, तो मंगल महाराज 2 sin 2 राशि पूरी कर चुके हैं, तीसरी राशि में चल रहे हैं 26 डिग्री 35 मिनट के। बुध महाराज देखिए 2 sin pass 0 degree 14 minute, इसमें आप 5 मिनट जोड़ेंगे, 14 मिनट्स में 5 मिनट्स जोड़ते हैं तो 19 मिनट, 0 डिग्री को 0 डिग्री उतार लिया, 2 को 2 ही उतार लिया, तो बुध महाराज 2 राशि कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरी राशि में चल रहे हैं 0 डिग्री 19 मिनट के। गुरु महाराज देखिए 10 sin pass 7 degree 4 minute, इसमें आप जोड़ेंगे 2 minutes, 4 और 2 हो गए 6 minute, 7 को 7 डिग्री ऐसे उतार लिया, 10 sin 10 sin को उतार लिया। गुरु महाराज 10 राशि पूरी कर चुके हैं, 11वीं राशि में चल रहे हैं 7 degree 6 minute के। शुक्र महाराज देखिए 1 sin pass 27 degree 50 minute, और इनमें जोड़ना है आपको 35 minutes, 50 minutes एंड 35 minutes होते हैं 1 degree 25 minute, और 1 degree में होते 60 मिनट, टोटल मिला के हो जाते हैं जैसे कि मान के चलिए 50 और 35, ये होते 85 मिनट, 85 मिनट का मतलब हो गया 1 degree 25 minute, तो 25 मिनट हमने यहां पर लिख दिया है, 27 में 1 degree बढ़ाकर 28 डिग्री कर दिया है, 1 sin को यहां पर उतार लिया है। शुक्र महाराज 1 sin पूरा कर चुके हैं, दूसरे में चल रहे हैं 28 डिग्री 25 मिनट के। शनि महाराज जहां पर कोई अंतर नहीं आया था, हमने 27 तारीख वाला ही ऐसे ही उतार लिया है, 9 sin pass 19 degree 21 minutes, 9 राशि पूरी कर चुके हैं शनि महाराज, 10वीं राशि में चल रहे हैं 19 डिग्री 21 मिनट के। राहु महाराज का भी 27 तारीख का ही हमने भोगांश उतार लिया है, 1 sin pass 16 degree 35 minute, राहु महाराज 1 राशि पूरी करके वृषभ में चल रहे हैं 16 डिग्री 35 मिनट के।
अब राहु महाराज और केतु महाराज दोनों 17 एक्सिस होते हैं, 180 डिग्री के अंतर पे होते हैं, तो राहु महाराज के भोगांश में हमने 6 साइन जोड़ा और साइन आ गया 7 साइन पास 16 डिग्री 35 मिनट्स। तो ये केतु महाराज का भोगांश आएगा। केतु महाराज 7 राशि पूरी कर चुके हैं, 8वीं राशि वृश्चिक में चल रहे हैं 16 डिग्री 35 मिनट के। इस प्रकार से आप सभी ग्रहों का ग्रह स्पष्ट कर सकते हैं। जो हमने पिछली वीडियो में लग्न स्पष्ट किया था वह 4 साइन पास 14 डिग्री 8 मिनट का था। तो लग्न हमारा 4 राशि कंप्लीट करके 5वीं जो राशि चल रही थी 14 डिग्री 8 मिनट की, तो 5वीं राशि सिंह लग्न हमने सिंह लग्न की कुंडली बना ली है, 14 डिग्री 8 मिनट लिख दिया है और सभी ग्रहों को इस कुंडली के अंदर पोस्ट करके आपको दिखा दिया गया है। सूर्य महाराज को वृषभ के अंदर, चंद्र महाराज को वृश्चिक के अंदर, मंगल महाराज को मिथुन के अंदर, बुध महाराज को भी मिथुन के अंदर, गुरु महाराज को कुंभ के अंदर, शुक्र महाराज को वृषभ में वृषभ के अंदर दिखा दिया है, शनि महाराज को मकर मकर में लिख दिया है और राहु महाराज 2 नंबर यहां पर वृषभ में और केतु महाराज को 8 नंबर राशि में दिखा दिया गया है। पोस्ट किस प्रकार करते हैं, ग्रह स्पष्ट कैसे होते हैं, ये आपको हमने कंप्लीट बताया। एक बार एक पॉइंट फिर से बता देते हैं, जैसे कि सूर्य महाराज का 1 साइन पास 12 डिग्री 15 मिनट, इसका मतलब होगा कि सूर्य महाराज एक राशि पूरी करके दूसरी राशि में चल रहे हैं 12 डिग्री 15 मिनट के, तो सूर्य महाराज को हमने दूसरी राशि में भेजा है। इसी प्रकार से सभी ग्रहों को हम जिस राशि में चल रहे हैं वहां पर कुंडली के अंदर पोस्ट करना होता है। यहां पर हमने चंद्र महाराज को भी 7 राशि पूरी करके 8वीं राशि में भेजा है। इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रह का आपको भी दिखाना है। तो आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।